absorption across the plasma membrane of the intestinal cell depends upon two type of process. इंटेस्टाइनल सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अक्रॉस एब्जॉर्प्शन दो तरह के प्रोसेस पर डिपेंड करेगा. वन है पैसिव प्रोसेस एंड सेकेंड इज एक्टिव प्रोसेस. एब्जॉर्प्शन इंटेस्टाइनल ल्यूमेन से प्लाज्मा मेम्ब्रेन में दो प्रोसेस से होगा. कुछ पदार्थों का एब्जॉर्प्शन एक्टिव प्रोसेस से होगा और कुछ सब्सटेंस का एब्जॉर्प्शन पैसिव प्रोसेस से होगा. पैसिव प्रोसेस में एनर्जी का एक्सपेंडिचर नहीं होगा. एब्जॉर्प्शन अलोंग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट होगा, दैट इज इंटेस्टाइनल ल्यूमेन में सब्सटेंस का ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन है और इंटेस्टाइनल सेल में कम कॉन्सेंट्रेशन है, तो ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन से कम कॉन्सेंट्रेशन तक एब्जॉर्प्शन होगा. पैसिवली होगा, बिना एनर्जी के एक्सपेंडिचर किए होगा और तब तक होगा जब तक कि दोनों तरफ का कॉन्सेंट्रेशन इक्वल नहीं हो जाए. पैसिव एब्जॉर्प्शन स्लो प्रोसेस है क्योंकि इसमें एनर्जी का एक्सपेंडिचर नहीं होता है. पैसिव एब्जॉर्प्शन सिंपल डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस या फैसिलेटेड डिफ्यूजन के द्वारा हो सकता है. सिंपल डिफ्यूजन में अलोंग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट स्मॉल वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल और जैसे कुछ इलेक्ट्रोलाइट सीएल माइनस, ग्लूकोज, फैटी एसिड और कोलेस्टेरॉल का एब्जॉर्प्शन होगा. ऑस्मोसिस के द्वारा वाटर अल्कोहल और फैसिलेटेड डिफ्यूजन में अलोंग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट जाएगा या डिफ्यूजन होगा, परंतु यहाँ पर कुछ कैरियर मॉलिक्यूल इसको डिफ्यूजन करने में हेल्प करेगा. इस प्रकार हमने देखा पैसिव एब्जॉर्प्शन में न्यूट्रिएंट्स अलोंग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट जाता है. पैसिव एब्जॉर्प्शन द न्यूट्रिएंट्स आर एब्जॉर्ब्ड अलोंग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट. That is higher concentration present inside the lumen of intestine and lower concentration inside the intestinal cell, and the substance goes from lumen of intestine to intestinal cell. Passive absorption depends upon the physical process like simple diffusion, osmosis, facilitated diffusion. Passive absorption फिजिकल प्रोसेस पर डिपेंड करता है, जैसे कि सिंपल डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस एंड फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन. सिंपल डिफ्यूजन के द्वारा स्मॉल वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल लाइक सम ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट लाइक सीएल माइनस, ग्लूकोज, फैटी एसिड एंड कोलेस्टेरॉल का एब्जॉर्प्शन होगा. बाय सिंपल डिफ्यूजन स्मॉल वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल लाइक सम ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स like Cl minus, glucose, fatty acid and cholesterol are absorbed. By osmosis, water and alcohol, and by facilitated diffusion, fructose and mannose. Absorption across the plasma membrane of intestinal cell depends upon two type of processes. Number one, passive absorption. Number two, active absorption. Passive absorption, the nutrients are absorbed along the concentration gradient, that is from higher concentration to lower concentration. It depends upon the physical process like simple diffusion, osmosis and facilitated diffusion. Simple diffusion ke dwara Cl minus, glucose, fatty acid, cholesterol ka absorption hoga. Osmosis se water और अल्कोहल का और फैसिलेटेड डिफ्यूजन से फ्रुक्टोज और मैनोज का एब्जॉर्प्शन होगा. पैसिव प्रोसेस है, एनर्जी का एक्सपेंडिचर नहीं होगा. स्लो प्रोसेस है, एब्जॉर्प्शन तब तक होगा जब तक कि दोनों तरफ का कॉन्सेंट्रेशन बराबर नहीं हो जाए. पैसिव प्रोसेस एनर्जी पर डिपेंड नहीं करेगा. पैसिव प्रोसेस स्लो प्रोसेस होगा. पैसिव प्रोसेस में एब्जॉर्प्शन तब तक होता रहेगा जब तक दोनों साइड का कॉन्सेंट्रेशन इक्वल नहीं हो जाए. इसका मतलब यह हुआ कि पैसिव एब्जॉर्प्शन में पूरा एब्जॉर्प्शन नहीं होगा सब्सटेंस का. पैसिव एब्जॉर्प्शन डज नॉट डिपेंड अपॉन एनर्जी. पैसिव एब्जॉर्प्शन एनर्जी पर डिपेंड नहीं करता है. पैसिव एब्जॉर्प्शन इज अ स्लो प्रोसेस. पैसिव एब्जॉर्प्शन कंटिन्यू टिल द कॉन्सेंट्रेशन बिकम इक्वल ऑन बोथ साइड्स ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, सो द सब्सटेंस
cannot be absorbed completely. In passive absorption, substances cannot be absorbed completely. Passive absorption energy पर depend नहीं करेगा. Passive absorption slow process होगा. Passive absorption तब तक continue होता रहेगा जब तक कि दोनों तरफ का concentration समान नहीं हो जाए. Passive absorption में substance completely absorb नहीं होता है. Next, active absorption. Active absorption में nutrient absorb होता है intestinal mucosa से against the concentration gradient. In active absorption, nutrients are absorbed through intestinal mucosa against the concentration gradient. Active absorption is rapid process as is depend upon the energy provided by ATP. Active absorption rapid process है क्योंकि ATP के द्वारा provide किए हुए energy पर depend करता है. Active absorption occur by two process. Number one, active transport. Active transport is the type of active absorption. Active transport involves the carrier molecule. Active transport में carrier molecule participate करता है जिसे permease या translocase कहते हैं जो generally proteinaceous nature का होता है. Active transport के द्वारा glucose, galactose, अमीनो एसिड और सोडियम आयन का एब्जॉर्प्शन होता है. आपने पहले देखा है ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन पैसिवली भी होता है लेकिन पैसिव एब्जॉर्प्शन में कंप्लीटली एब्जॉर्प्शन नहीं होता है तो बचे हुए ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन एक्टिव ट्रांसपोर्ट से होता है. एक्टिव ट्रांसपोर्ट में ग्लूकोज, गैलेक्टोज, अमीनो एसिड और सोडियम आयन का एब्जॉर्प्शन होगा. पैसिव transport does not depend upon energy. Passive transport is a slow process, but passive transport continue till the concentration become equal on both sides of the cell membrane, so the substances cannot be absorbed completely. Next, active absorption. Nutrients are absorbed through the intestinal mucosa against the concentration gradient. Active absorption is a rapid process as it depend upon the energy provided by ATP. Active transport, active absorption occurs by two processes. Number one, active transport. Active transport is active absorption. In active transport, carrier molecules like permease, translocase are involved. These are generally proteinaceous in nature. Glucose, galactose, amino acid and sodium ion are absorbed by active transport. Active process में पहला active transport था और दूसरा endocytosis. Endocytosis भी active process है. इसमें energy का expenditure होता है. Endocytosis में large size के solid और liquid nutrients vesicle के द्वारा ले लिया जाता है. In endocytosis, large size solid and liquid nutrients are taken in some vesicle through the plasma membrane. Plasma membrane में vesicle का formation होगा और vesicle के formation के द्वारा large size का solid और liquid nutrients को ले लिया जाएगा. अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ा active absorption और passive absorption, इन दोनों में हम लोग difference देखेंगे. Character, passive absorption, active absorption. Number one, type of process. Passive absorption is physical process and active absorption is a vital process. Passive absorption, physical process and active absorption is a vital process. Direction of absorption. Passive absorption is along the concentration gradient and active absorption is against the concentration gradient. Energy. Passive absorption does not depend upon the energy supply. Active absorption depends upon energy supply. The speed of absorption. Passive absorption is slow process kyunki energy par depend nahi karta hai. Active absorption is fast process. Carrier molecule.
इन पैसिव एब्जॉर्प्शन कैरियर मॉलिक्यूल मे और मे नॉट बी इन्वॉल्व. आपने देखा सिंपल डिफ्यूजन में कैरियर मॉलिक्यूल इन्वॉल्व नहीं होता है, ऑस्मोसिस में जनरली नहीं होता है, बट फैसिलेटेड डिफ्यूजन में कैरियर मॉलिक्यूल इन्वॉल्व होता है. इन एक्टिव एब्जॉर्प्शन कैरियर मॉलिक्यूल ऑलवेज इन्वॉल्व. एग्जाम्पल ऑफ पैसिव एब्जॉर्प्शन इज डिफ्यूजन, एब्जॉर्प्शन थ्रू ऑस्मोसिस एंड फैसिलेटेड डिफ्यूजन. एक्टिव एब्जॉर्प्शन एग्जाम्पल इज एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड इंडोसाइटोसिस. हमारे डाइट में तीन प्रकार का कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है मेनली, पॉलीसेक्राइड, डाइसेक्राइड एंड मोनोसेक्राइड. हमारे डाइट में पाया जाने वाला पॉलीसेक्राइड ग्लाइकोजेन और एमाइलोज एंड एमाइलोपेक्टिन है. एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन स्टार्च के फॉर्म में पाया जाता है. ग्लाइकोजेन नॉन वेजिटेरियन डाइट में मिलेगा और एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन वेजिटेरियन डाइट में मिलेगा, क्योंकि यह प्लांट के द्वारा बनता है, क्योंकि इसका ओरिजिन प्लांट ओरिजिन है. हम लोग पढ़ रहे हैं हमारे डाइट में पाया जाने वाला कार्बोहाइड्रेट एंड देयर एब्जॉर्प्शन. डाइजेशन हमने पहले पढ़ा. तो हमारे डाइट में तीन प्रकार का कार्बोहाइड्रेट होगा, पॉलीसेक्राइड में ग्लाइकोजेन, एमाइलोज एमाइलोपेक्टिन, एमाइलोपेक्टिन इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च. ग्लाइकोजेन नॉन वेजिटेरियन डाइट में मिलेगा और एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन वेजिटेरियन डाइट में मिलेगा, क्योंकि यह प्लांट के द्वारा बनता है. दूसरा डाइसेक्राइड, दो प्रकार का डाइसेक्राइड फूड में अवेलेबल होगा जनरली, सुक्रोज एंड लैक्टोज. सुक्रोज को केन शुगर कहते हैं एंड लैक्टोज को मिल्क शुगर कहते हैं. सुक्रोज ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज से मिलकर बनता है एंड लैक्टोज ग्लूकोज और गैलेक्टोज से मिलकर बनता है. एंड थर्ड टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज मोनोसेक्राइड. मोनोसेक्राइड मोस्टली ग्लूकोज और फ्रुक्टोज होता है. इस प्रकार मेनली तीन फॉर्म में कार्बोहाइड्रेट हमारे डाइट में मिलेगा, पॉलीसेक्राइड, डाइसेक्राइड एंड मोनोसेक्राइड. इसके अलावा भी कुछ और कार्बोहाइड्रेट जो हमारे डाइट में पाए जाएंगे वो है अल्कोहल, लैक्टिक एसिड, पाइरुविक एसिड, पेक्टिन, डेक्सट्रीन एंड कार्बोहाइड्रेट इन मीट. हमारे डाइट में सेल्युलोज भी पाया जाएगा. सेल्युलोज हमारे डाइट में लार्ज अमाउंट में होगा, परंतु सेल्युलोज का डाइजेशन नहीं होता है, इसलिए ह्यूमन बीइंग के लिए सेल्युलोज को एज अ फूड कंसीडर नहीं किया जाएगा. आप लोग नोट कीजिए, कार्बोहाइड्रेट इन डाइट, ह्यूमन डाइट कॉन्टेन थ्री टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट. ह्यूमन डाइट कॉन्टेन थ्री टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट. नंबर वन पॉलीसेकेराइड. इंपॉर्टेंट पॉलीसेकेराइड्स आर ग्लाइकोजेन. इंपॉर्टेंट पॉलीसेकेराइड्स आर ग्लाइकोजेन, एमाइलोज एंड एमाइलोपेक्टिन. एमाइलोज एंड एमाइलोपेक्टिन इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च. एमाइलोज एमाइलोपेक्टिन स्टार्च के फॉर्म में पाया जाएगा. ग्लाइकोजेन इज अवेलेबल इन नॉन वेजिटेरियन डाइट. ग्लाइकोजेन नॉन वेजिटेरियन डाइट में अवेलेबल होगा. ग्लाइकोजेन इज अवेलेबल इन नॉन वेजिटेरियन डाइट. एमाइलोज एंड एमाइलोपेक्टिन अवेलेबल इन वेजिटेरियन डाइट बिकॉज ऑफ देयर प्लांट ओरिजिन. एमाइलोज एंड एमाइलोपेक्टिन अवेलेबल इन वेजिटेरियन डाइट बिकॉज ऑफ देयर प्लांट ओरिजिन. डाइसेक्राइड, टू टाइप्स ऑफ डाइसेक्राइड आर अवेलेबल इन डाइट. डाइसेक्राइड, टू टाइप्स ऑफ डाइसेक्राइड्स आर अवेलेबल इन डाइट. नंबर वन सुक्रोज एंड अदर इज लैक्टोज. थर्ड मोनोसेक्राइड, मोस्टली ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज. अदर कार्बोहाइड्रेट्स इन डाइट अल्कोहल, लैक्टिक एसिड, पाइरुविक एसिड, पेक्टिन, डेक्सट्रीन एंड कार्बोहाइड्रेट इन मीट.
the diet also contains large amount of cellulose, which cannot be digested in gastrointestinal tract. The diet also contains large amount of cellulose, which cannot be digested in the GI tract, so not considered as food for human being. कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन का फाइनल प्रोडक्ट मोनोसैकेराइड होगा. मोनोसैकेराइड में 80% ग्लूकोज एंड 20% फ्रुक्टोज एंड गैलेक्टोज होंगे. कार्बोहाइड्रेट का जब डाइजेशन होगा तो डाइजेशन होने के बाद मोनोसैकेराइड बनेगा. इसमें तीन मोनोसैकेराइड होंगे, ग्लूकोज फ्रुक्टोज गैलेक्टोज. 80% ग्लूकोज होंगे और 20% फ्रुक्टोज और गैलेक्टोज होंगे. डाइजेशन के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन हो जाएगा. डाइजेशन के बाद मोनोसैकेराइड का एब्जॉर्प्शन स्मॉल इंटेस्टाइन में विलाई के द्वारा होगा. पहले यह इंटेस्टाइन के ल्यूमेन से विलाई के इपिथेलियल सेल में आएगा और इपिथेलियल सेल से फिर ब्लड में चला जाएगा. फाइनल प्रोडक्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन, द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन इज मोनोसैकेराइड विच इंक्लूड ग्लूकोज 80%, फ्रुक्टोज गैलेक्टोज 20%. फाइनल प्रोडक्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन इज मोनोग्लिसराइड मोनोसैकेराइड. फाइनल प्रोडक्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन इज मोनोसैकेराइड विच कॉन्टेन 80% ग्लूकोज एंड 20% फ्रुक्टोज एंड गैलेक्टोज. एब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज इंटेस्टाइन के ल्यूमन से स्मॉल इंटेस्टाइन के इपिथेलियल सेल में, इंटेस्टाइन के ल्यूमेन से स्मॉल इंटेस्टाइन के म्यूकस मेम्ब्रेन के इपिथेलियल सेल में ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन सोडियम को ट्रांसपोर्ट के द्वारा होता है. मीन्स ग्लूकोज के साथ साथ सोडियम आयन का भी ट्रांसपोर्ट होगा. फ्रॉम ल्यूमेन ऑफ इंटेस्टाइन इन टू द इपिथेलियल सेल इन द म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन The absorption of glucose is by means of sodium co-transport. From lumen of intestine into the epithelial cells in the mucous membrane of a small intestine by means of sodium co-transport. Then from epithelial cell it goes to portal veins. Epithelial cell se glucose portal vein mein jayega by means of फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन. ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन इंटेस्टाइन के ल्यूमेन से इंटेस्टाइन के म्यूकस मेम्ब्रेन के इपिथेलियल सेल में होगा बाय मींस ऑफ सोडियम को ट्रांसपोर्ट और इपिथेलियल सेल से फिर फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के द्वारा ग्लूकोज पोर्टल वेन में या हेपाटिक पोर्टल वेन में और इंटेरोहेपाटिक सर्कुलेशन में चला जाएगा. गैलेक्टोज का एब्जॉर्प्शन भी ग्लूकोज के समान ही मैकेनिज्म से होता है. एब्जॉर्प्शन ऑफ गैलेक्टोज इज सेम एज ग्लूकोज एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ फ्रुक्टोज इज बाय फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन. सम मॉलिक्यूल ऑफ द फ्रुक्टोज इज कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज. इस प्रकार हमने देखा कि कार्बोहाइड्रेट का जब डाइजेशन होगा तो डाइजेशन के बाद ग्लूकोज फ्रुक्टोज एंड गैलेक्टोज बनेगा. ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन इंटेस्टाइन के ल्यूमेन से इंटेस्टाइन के विलाई में पाए जाने वाले सेल में सोडियम को ट्रांसपोर्ट के द्वारा होगा और इंटेस्टाइन के म्यूकस मेम्ब्रेन में जो सेल है उस सेल से ग्लूकोज हेपाटिक पोर्टल वेन में चला जाएगा बाय मींस ऑफ फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन. गैलेक्टोज का भी एब्जॉर्प्शन उसी प्रकार होगा जिस तरह से ग्लूकोज का हुआ, परंतु फ्रुक्टोज का एब्जॉर्प्शन फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के द्वारा होगा. मोस्ट ऑफ द फ्रुक्टोज ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है. एब्जॉर्प्शन के बाद ग्लूकोज लीवर में जाएगा. लीवर में ग्लूकोज ग्लाइकोजेन में कन्वर्ट होकर स्टोर होगा ब्लड के द्वारा. आवश्यकता पड़ने पर ग्लूकोज सेल में जाएगा.
जहां पर यह फिर से कार्बोहाइड्रेट बनाएगा या लार्ज मॉलिक्यूल और पॉलीमर बनाएगा या रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट के तरफ यूज होगा और ग्लाइकोलाइसिस एंड क्रेब्स साइकिल को करता हुआ एनर्जी का फॉर्मेशन करेगा। फूड में पाया जाने वाला प्रोटीन, प्रोटीन्स इन डाइट, द फूड स्टफ कंटेनिंग द हाई प्रोटीन कॉन्टेंट आर, वह फूड स्टफ जिसमें ज्यादा प्रोटीन कॉन्टेंट होगा वह है मीट, फिश, एग एंड मिल्क। हमारे फूड स्टफ में सबसे ज्यादा प्रोटीन कॉन्टेंट मीट, फिश, एग और मिल्क में पाया जाएगा, दैट इज एनिमल प्रोडक्ट में पाया जाएगा। द इंपॉर्टेंट आइटम्स इन द डाइट कॉन्टेनिंग प्रोटीन आर व्हीट, व्हीट में पाया जाने वाला प्रोटीन ग्लूटेनिन एंड ग्लैडिन, मिल्क, मिल्क में केसीन, लैक्ट एल्बुमिन, एल्बुमिन और मायोसिन प्रोटीन पाया जाएगा, एग, एग में एल्बुमिन एंड विटेलिन, मीट में कोलाजन, एल्बुमिन और मायोसिन प्रोटीन पाया जाएगा। प्रोटीन के डाइजेशन से फाइनल प्रोडक्ट अमीनो एसिड बनेगा। अमीनो एसिड दो प्रकार का होगा, लीबो अमीनो एसिड और डेक्स्ट्रो अमीनो एसिड। लीबो अमीनो एसिड ग्लूकोज के तरह ही सोडियम को ट्रांसपोर्ट के द्वारा एक्टिवली एब्जॉर्ब होता है। लीबो अमीनो एसिड आर एक्टिवली एब्जॉर्ब, एनर्जी का एक्सपेंडिचर होगा इसके एब्जॉर्प्शन में, एक्टिवली एब्जॉर्ब होता है बाय मींस ऑफ सोडियम को ट्रांसपोर्ट। डेक्स्ट्रो अमीनो एसिड फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के द्वारा पैसिवली एब्जॉर्ब होगा। अमीनो एसिड का सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन या फास्टली एब्जॉर्प्शन डिओडेनम और जीजेनम में होगा। इलियम में अमीनो एसिड का एब्जॉर्प्शन कंपेयर टू डिओडेनम और जीजेनम स्लो होता है। प्रोटीन्स इन डाइट, द फूड स्टफ्स कंटेनिंग हाई प्रोटीन कंटेंट्स आर मीट, फिश, एग एंड मिल्क। द फूड स्टफ्स कंटेनिंग हाई प्रोटीन कंटेंट आर मीट, फिश, एग एंड मिल्क। द इंपॉर्टेंट आइटम्स इन द डाइट कंटेनिंग प्रोटीन्स आर, द इंपॉर्टेंट आइटम्स इन डाइट कंटेनिंग प्रोटीन्स आर व्हीट कंटेंस ग्लूटेनिन एंड ग्लैडिन, व्हीट कंटेन ग्लूटेनिन एंड ग्लियडिन, मिल्क कंटेन केसीन, लैक्ट एल्बुमिन, एल्बुमिन एंड मायोसिन, एग कंटेंस एल्बुमिन एंड विटेलिन, मीट कोलाजन, एल्बुमिन एंड मायोसिन। फाइनल प्रोडक्ट ऑफ प्रोटीन डाइजेशन अमीनो एसिड, एब्जॉर्प्शन ऑफ अमीनो एसिड, द लीबो अमीनो एसिड्स आर एक्टिवली एब्जॉर्ब्ड बाय मींस ऑफ सोडियम को ट्रांसपोर्ट। द लीबो अमीनो एसिड्स आर एक्टिवली एब्जॉर्ब्ड बाय मींस ऑफ सोडियम को ट्रांसपोर्ट। द डेक्स्ट्रो अमीनो एसिड आर एब्जॉर्ब्ड बाय मींस ऑफ फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। द एब्जॉर्प्शन ऑफ अमीनो एसिड इज फास्टर इन डिओडेनम एंड जीजेनम एंड स्लोअर इन इलियम।